Hello everyone, welcome once again to Sanat Easy Mind Tutorials, one step to make your way easy. आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. In this video, we will discuss some of the expected and most frequently asked questions in your CPT skill test exam related to MS Office. MS Office से related जो भी question आपका बन सकता है, that we will discuss here. As I am alone person, so I am not getting that much of time to type all the things. So here I have noted down for you. I will just tell everything, explain everything to you, and you just note it down somewhere, or you can take the screenshot also. Okay, if my handwriting is not that much good, I will dictate you whatever I have written for you. Okay, direct questions you can expect from this. Directly आपको ये पूछा जा सकता है. See friends, ये सभी के लिए important होगा. अगर आप बिहार विधान परिषद का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप सीपीटी स्किल टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाने का चांस रहता है. और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बन सकता है. जनरली 2016 एमएस ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड. यू विल बी गिवन 2010 विंडोज वर्जन टू परफॉर्म योर सीपीटी स्किल टेस्ट, वेयर एज क्वेश्चंस माइट कम फ्रॉम 2016 आल्सो. ओके, रिलेटेड टू 2010 एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन कंप्यूटर जीके फंडामेंटल. ओके, so computer gk for all exams, that is the playlist, first complete that playlist. us playlist mein jo aapko nahi milega wo yahan pe main discuss karte ja raha hu. okay, so we'll continue this, just note down everything. and for qualifying in the examinations, I am talking about icmr students. okay, so it is very very important to score full marks, and you can achieve full marks very easily. okay, so total full marks out of 20, at least you need to score 16 plus. okay, अगर आपका स्कोर 65 है, 65 के अराउंड है आपका अगर स्कोर और आप क्वालिफाई किए हैं, तो आप कोशिश कीजिए 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए. ओके, दैट विल बी बेटर टू मेक योर सिलेक्शन चांसेस 100%. सो व्हाई वी विल लीव एनी क्वेश्चन, सो हम सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसीलिए जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप्स, सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स, डिस्कशन इजी माइंड, ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी स्किल टेस्ट के हैं, सीपीटी के प्रैक्टिस मॉक. ओके, ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस इन फेसबुक ग्रुप, एंड इफ यू वॉन्ट टू परचेज द कोर्स, कोर्स बहुत ही सस्ता है दोस्तों, सिर्फ 49 रुपीज का है आपके लिए. और 9777956222 जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, बस सीपीटी लिख दीजिए, या फिर आप easymindsanat12@gmail.com. यू कैन ऑल्सो राइट टू दिस मेल. इन द कोर्स यू विल बी एक्सप्लेन ऑल द टैब्स ऑफ एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तीनों ही मॉड्यूल का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, सभी टैब्स का डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा. उसके बाद मॉक पीडीएफ्स मिलेंगे, और मॉक पीडीएफ्स का सॉल्यूशन भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा. ये ऐसा सीपीटी है, ये सभी एग्जाम को नजर रखते हुए तैयार किया गया है. इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स, इट इज नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक एग्जाम. व्हिच एवर एग्जाम यू आर गिविंग, लेट इट बी एनी आईआईटीज, एनआईटीज में अगर आप दे रहे हैं वहां पे आपका स्किल टेस्ट है, या फिर अगर आप कहीं भी दे रहे हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, एनीवेयर इफ यू आर गिविंग स्किल टेस्ट और सीपीटी, देन इट विल बी यूजफुल. ऑल एडवांस फंक्शंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस कोर्स. ओके, तो कोर्स कैसे आपको परचेस करना है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो, एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. So first we'll see some shortcuts of MS Excel. Okay, so here you can see that is how to close a spreadsheet. You need to press Ctrl plus W, spreadsheet आपका close हो जाएगा. Okay, then open a spreadsheet, Ctrl plus O, directly you can get these options. Then is your go to home tab, Alt plus H. If you want to go to home tab, then that is Alt plus H. Then save a spreadsheet, Ctrl plus S, you know. Ctrl plus C से क्या होगा, copy. Ctrl plus V, that is paste. Ctrl plus X, that is cut. Okay. And whatever you copy, जो भी आप copy करते हैं वो temporarily आपका clipboard में store होता है. That is stored temporarily in your clipboard. Then Ctrl plus Z, all you know, undo. And for redo, that is Ctrl plus Y. Remember that one. Next is, if you want to remove all the contents. Okay, if you want to remove all the cell contents. What is a cell? Cell again you can see here. ये आपको नजर आ रहा है. This is a cell consisting of the all the squares. This is your worksheet.
एंड हियर यू कैन सी द सिंगल स्क्वायर दैट इज अ सेल, ये आपका सेल है. सो इफ यू वॉन्ट टू रिमूव ऑल द सेल कंटेंट्स यू हैव टू प्रेस डिलीट बटन. नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको फिल कलर करना है, इफ यू नीड टू फिल द कलर, व्हाट यू नीड टू प्रेस ऑल्ट प्लस एच और सिंपली एच की. गो टू इंसर्ट टैब ऑल्ट प्लस एन. पेज लेआउट ऑल्ट प्लस पी. डेटा टैब में अगर आपको जाना है ऑल्ट प्लस ए. व्यू टैब करना है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू. ओके, जस्ट नोट इट डाउन. कॉन्टेक्स्ट मेनू, फॉर कॉन्टेक्स्ट मेनू द शॉर्टकट की इज शिफ्ट प्लस F10. फॉर एडिंग द बॉर्डर्स द शॉर्टकट की इज ऑल्ट प्लस एच और ऑल्ट प्लस बी. ओके, नेक्स्ट इज हाउ यू नीड टू डिलीट ए कॉलम. अगर आपको कॉलम डिलीट करना है देन दैट इज इफ यू वॉन्ट टू डिलीट ए कॉलम शॉर्टकट इज दिस वन ऑल्ट प्लस एच डी देन ऑल्ट प्लस सी. दिस इज द वे यू नीड टू डिलीट ए कॉलम. ओके, देन फॉर फॉर्मूला टैब ऑल्ट प्लस एम दैट इज फॉर फॉर्मूला टैब. सो देन इफ यू वॉन्ट टू हाइड द सिलेक्टेड रोज दैट इज कंट्रोल प्लस 9. रिमेंबर इट, कंट्रोल प्लस 9 फॉर हाइडिंग द रोज. इफ यू वॉन्ट टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स कंट्रोल प्लस 0. अगर आपको कॉलम हाइड करना है कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करना है, और अगर रोज हाइड करना है एमएस एक्सेल में कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस करना है. देन वी विल सी सम ऑफ द एक्सटेंशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. हैव अ लुक एट इट. इन एमएस वर्ड इफ यू वॉन्ट एड एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए एक्सटेंशन क्या है, डॉक डॉट डी ओ सी एक्स. अगर मैक्रो के लिए चाहिए मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट, ये क्या है, मैक्रो एनेबल्ड डॉक्यूमेंट डॉट डी ओ सी एम. टेम्पलेट के लिए चाहिए डॉट डी ओ सी एक्स. ओके, टी आ जाएगा यहाँ पे, यू कैन सी हियर टी. दिस टी डिनोट्स योर टेम्पलेट. देन मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट, इफ इट इज मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट देन डॉट डी ओ टी एम. ओके, नेक्स्ट वी विल सी फॉर एम एस एक्सेल. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो हियर फॉर एम एस एक्सेल. फॉर एम एस एक्सेल यू कैन सी दिस इज फॉर वर्कबुक डॉट एक्स एल एस एक्स, एक्स फॉर वर्कबुक. देन फॉर मैक्रो एनेबल्ड, दिस इज फॉर मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक डॉट एक्स एल एस एम. एम स्टैंड फॉर मैक्रो. देन थर्ड वन दैट इज फॉर टेम्पलेट डॉट एक्स एल टी. टी यू कैन सी हियर दैट इज फॉर टेम्पलेट एन एक्स. देन दैट इज मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट, मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट दैट इज डॉट एक्स एल टी. एम टी फॉर टेम्पलेट एंड एम फॉर मैक्रो. आपको समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ. देन फॉर एम एस पी पी टी. ओके, फॉर एम एस पी पी टी यू कैन सी हियर फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज डॉट PPTX. मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन के लिए क्या है डॉट PPTM. नोट कर लीजिए. टेम्पलेट के लिए है डॉट POTX, POTX फॉर टेम्पलेट. मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट डॉट POTM. एंड फॉर स्लाइड डॉट SLDX. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर. इफ यू वॉन्ट टू परचेज द कोर्स एंड बूस्ट योर प्रिपेरेशन फॉर ICMR स्किल टेस्ट और एनी अदर स्किल टेस्ट, you have not purchased, it is at very minimal price, bahut hi kam price mein hai. You just write CPT in this WhatsApp number, that is 9777956222, and we will send you the details of the course. Okay, aapko course ke bare mein sab kuch bata diya jayega. Also you can write to us at a email ID, that is easymindsanath12@gmail.com. okay, this is our email ID. And talking about the course, you will get every tabs in detail and explanation also, along with the PDF, mock PDFs, okay, which you need to solve. और course अगर आप लेते हैं, अभी भी अगर आप लेते हैं, तो आपका बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, within 1 week, okay? And it will help you in every examinations. It is not specifically targeted for any specific examination, okay? सभी exam के लिए काम आएगा. Next, just remember some factual questions based on MS Excel. MS Excel से इस तरीके का factual questions आ सकता है, जैसे you have to remember for worksheet how many number of rows are there. So 104857 rows are there and 16384 columns. Ye aap yaad rakhiye these two figures. Okay, then this is important, there is column width. Column width is 255 characters. Okay, row height is 409 and header or footer. In header or footer total aapka 255 characters rehte hain. Okay, 255 characters, this is important. Then you can get some question like this. ऐसा question भी आपको मिल सकता है directly. You can be asked that for writing the formula in MS Excel,
विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज फॉर्मूला लिखने के लिए एमएस एक्सेल में, इनमें से आप क्या यूज करेंगे? परसेंटेज यूज करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, एट द रेट या हैश? ऑल यू नो यू ऑलवेज हैव टू फर्स्ट राइट इक्वल टू, देन यू हैव टू राइट एनी फॉर्मूला इफ यू वॉन्ट इन एमएस एक्सेल. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन. लेट अस नाउ हैव ए लुक एट सम ऑफ द शॉर्टकट्स फॉर एमएस पीपीटी. एमएस पीपीटी के लिए देख लेते हैं. जैसे फॉर सिलेक्ट ऑल you need to press control plus a. select all, it is applicable to every module, ms excel, powerpoint and word. okay, then if you want to play, if you want to play any media or if you want to pause any media, agar pause karna hai ya fir play karna hai, shortcut is control plus space bar. okay, control plus space bar. then select all slides, that is again control plus a. then insert a picture, if you want to insert a picture, alt plus n or alt plus p, p for picture. okay, then if you want to insert any shape, alt plus h or alt plus s, s for shape, yaad rakhiye. next, slide show ke liye kya hai shortcut key? alt plus s for slide show. the shortcut key is alt plus s. then for closing, if you want to close the current slide or the current ppt, okay, then what is the shortcut? alt plus x or alt plus f. remember it, alt plus f or alt plus x. then if you want to go to next slide, नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए क्या है? पेज डाउन. प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए है पेज अप. देन इफ यू वांट टू एंड योर स्लाइड शो, द ऑप्शन इज एस्केप बटन, व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ योर कीबोर्ड. वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एमएस वर्ड. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. फॉर ओपनिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल प्लस ओ. दिस इज ओ. कंट्रोल प्लस ओ है ओपन के लिए. फॉर सेव ऑल यू नो कंट्रोल प्लस एस. फॉर क्लोज दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू. ओके, फॉर फॉन्ट साइज, इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज बाई वन पॉइंट, अगर फॉन्ट साइज आपको एक पॉइंट से कम करना है, देन कंट्रोल प्लस दिस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाई वन पॉइंट, फॉन्ट साइज अगर आपको एक पॉइंट से बढ़ाना है तो आपको क्या करना है? कंट्रोल प्लस दिस, यू हैव टू प्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट. ओके, देन सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट आपको पता है क्या है? कंट्रोल प्लस, ये आपको एक बटन दिखेगा बैकस्पेस के साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ बैकस्पेस की यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ बटन, दैट इज प्लस एंड इक्वल टू सिंबल. ओके, दीज टू सिंबल्स आर देयर, ये दो सिंबल इसके ऊपर है. कंट्रोल के साथ अगर आप ये की प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा? सबस्क्रिप्ट हो जाएगा. जैसे एच के नीचे यहाँ पे टू लिखा हुआ है, सो सबस्क्रिप्ट. फॉर सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस वन की प्लस इक्वल टू की, तो यू कैन गेट ए सुपरस्क्रिप्ट लाइक दिस एच एंड सुपरस्क्रिप्ट यू हैव प्लस साइन. ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑल यू नो, जस्ट हैव अ लुक. सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस ई है. लेफ्ट अलाइन करना है आपको टेक्स्ट को, तो कंट्रोल प्लस एल आपको प्रेस करना है. फॉर राइट अलाइन कंट्रोल प्लस आर, एंड फॉर जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे. अंडू यू नो कंट्रोल प्लस जेड, एंड रीडू यू नो कंट्रोल प्लस वाई. रीडू इज व्हाट? अगर अंडू में आपने कुछ कर दिया है, दोबारा से आपको चाहिए, तो रीडू करते हैं कंट्रोल प्लस वाई. नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम द टैब्स. टैब से आप क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको पूछ दिया जाएगा कि इन एमएस वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिबन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टैब. इनमें से कौन सा इस टैब में है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फॉर दिस यू जस्ट हैव अ लुक एट योर एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ऑल द टैब्स, यू जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट नॉट मग अप इट, जस्ट हैव अ लुक. बस उसको रटिए मत, बस देख लीजिए क्या क्या टैब किसमें है, तो आप एटलीस्ट इसमें आंसर कर सकते हैं. जैसे इन होम टैब यू कैन फाइंड क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स. ओके, इन इंसर्ट टैब यू कैन फाइंड कवर पेज, ब्लैंक पेज, एडिटिंग पेज, ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, पेज नंबर, सिंबल्स, इक्वेशन, देन वर्ड काउंट, ड्रॉप कैप, ये सब आपको मिल जाएंगे. जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, हैं तो बहुत सारे और भी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाने लायक है वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. इन पेज लेआउट टैब यू कैन फाइंड थीम्स, पेज सेटअप, पेज ब्रेक, सॉरी इट इज पेज बैकग्राउंड, देन पैराग्राफ और अरेंज. ओके, अगर हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन लीजिए, मैं नॉर्मल स्पीड में बोलते जा रहा हूँ. वीडियो जल्दी खत्म करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो विद इन पेज सेटअप यू कैन फाइंड मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज एंड देन कॉलम, ये आपको मिलेगा. उसके बाद मिलेगा पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक और हाइपरनेशन, बस ये एक बार देख लीजिए. देन इन पेज बैकग्राउंड यू कैन फाइंड वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर. ओके, देन इन पैराग्राफ यू कैन फाइंड इंडेंटेशन, स्पेसिंग, ये सब आपको मिलेगा. इसके बाद आपका है
अरेंज अरेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें आपका पोजीशन, रैप टेक्स्ट ये सब मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। देन नेक्स्ट टैब इज योर रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट यू रिमेंबर दैट रेफरेंस टैब इज देयर। मेलिंग्स टैब इज ऑल्सो देयर, दैट इज नॉट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जस्ट यू कैन फाइंड लाइक दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसमें आपका, इसके बाद साइटेशंस है, बिब्लियोग्राफी है, बस एक नजर डाल लीजिए ऐसे कैप्शंस, ओके रेफरेंस पे। और मेलिंग्स पे आप देख सकते हैं, इन योर मेलिंग्स यू कैन फाइंड स्टार्ट मेल मर्ज, देन एड्रेस बुक, ओके राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ये सब है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज रिव्यू टैब। रिव्यू टैब आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिव्यू में जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट इज प्रूफिंग, इन प्रूफिंग यू कैन फाइंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, रिसर्च, थेजर्स एंड वर्ड काउंट, ये आपका प्रूफिंग के अंदर है, जिसमें आप सभी चेक करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर को, ओके इसके बाद है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रांसलेशन है। देन कमेंट्स, दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रैकिंग, चेंजेस, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना टैब्स का आपको ध्यान रखना है एमएस वर्ड में। और इसके अलावा एक और आपका व्यू टैब भी है, ओके इन व्यू टैब यू कैन फाइंड योर प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, देन नेविगेशन, रूलर, ओके जूम, विंडो, मैक्रोस, ये सब इंपॉर्टेंट है व्यू टैब में, ओके दीज आर इंपॉर्टेंट इन व्यू टैब। I mentioned it here. So that's all from my side in this video. And if you have not watched this video, Computer GK for all exams, do complete this playlist. इसको पहले देख लीजिए. अगला जो भी बाकी रह गया हम next video में discuss करेंगे. Next whatever is remaining we'll discuss in the subsequent videos. आगे discuss करेंगे. Do not forget to like the video and share it with your friends. And अगर आप channel पर नए हैं तो subscribe जरूर से कर दीजिए और bell button को भी on कर दीजिए. Do join our Telegram groups, that is Sanath Easy Mind Tutorials and Easy Mind Discussion for all the CPT mock test PDFs. Okay? So friends, God bless all. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. Milte hain agle video mein. Tab tak ke liye, thank you and padhte rahiye.